हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। भूतिया ढाबा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। रोहन और सोहन अपने मामा जी के गांव शादी में जा रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना बाइक से ही चला जाए, क्योंकि बाइक से जाने पर जगह जगह की फोटो और तस्वीरें भी ले लेंगे, सेल्फी खींचेंगे और मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। उन्होंने बाइक पर पेट्रोल फुल कर लिया और निकल पड़े नेशनल हाईवे की तरफ। रात के समय वह फुल स्पीड में मजे लेके गाने गाते गाते हाईवे पर जा रहे थे। सामने एक बहुत ऊंचा घाट आया। घाट पार करते ही जैसे ही वे नीचे उतरने ही वाले थे कि उनकी बाइक अचानक खराब हो गई। उस समय रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। इनकी बाइक इस तरह खराब हो गई कि उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन वह फिर उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। इन्होंने कहा, अरे यार रोहन, ये तो बाइक पूरी तरह लगता है खराब हो गई, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और इतनी रात को आसपास कोई गैरेज भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें यार। चल एक काम करते, धक्का मारते हुए चलते हैं, शायद कोई आसपास कोई ढाबा मिल जाए या कोई गैरेज मिल जाए। चल यार चल। ये कहते हुए वो लोग बाइक को धक्का मारते हुए चले जा रहे थे। दोनों तरफ घने जंगल थे और इन्होंने सोचा कि यार कुछ खाने को रख लिया होता तो बहुत अच्छा रहता, यहाँ तो आसपास कोई होटल या कोई ढाबा भी नज़र नहीं आता। तभी सोहन की नज़र सामने पड़ी। अरे वो देख यार, कोई ढाबा नज़र आ रहा है, चलते हैं वहाँ, कुछ खाएंगे पियेंगे और वहीं पे कुछ इंतजाम करेंगे, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, चल। और ये लोग चलते चलते उस ढाबे के पास में आ गए। ढाबे के आसपास कुछ खटिया बिछी हुई थी और लोग चद्दर ओढ़ के सोए हुए थे। देखने की बात ये थी कि सभी के सर के ऊपर सफ़ेद चादरें थी, किसी का भी मुंह नहीं दिखाई दे रहा था। ये कैसा ढाबा है यार, ये लोग बाहर सो रहे हैं और सबके मुंह ढके हुए हैं सफ़ेद चादरों से। खैर छोड़ यार, अपने को क्या लेना देना, चल ढाबे के अंदर कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये लोग ढाबे के अंदर आए। ढाबे के मालिक काउंटर पर बैठा हुआ था। अजीब गरीब किस्म की उसकी शक्ल थी, बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। और इसने कहा, आपके यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा? ढाबे के मालिक ने कहा, हाँ हाँ जरूर, बैठो, क्या खाओगे? इसकी आवाज़ सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए चौंक गए। कुछ अजीब व गरीब ही माहौल नज़र आ रहा था उस ढाबे का, और एक अजीब किस्म की बदबू इनके नाक में आई। ये कैसी बदबू है यार? हाँ, ये कुछ अजीब प्रकार की मांस की बदबू लगती है, मैंने तो पहले कभी ऐसी बदबू नहीं सुनी। एक काम कर यार, चल निकल चलते हैं यहाँ से, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार, इतनी रात को कहाँ जाएंगे, चारों तरफ जंगल है, जैसे भी आज की रात यहाँ निकाल ली जाए, कल सवेरे यहाँ से निकल लेंगे। तब तक ढाबे के मालिक ने कहा, क्या घुसर फुसर कर रहे हैं आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ खाने का ऑर्डर नहीं करना है तो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आपस में विचार कर रहे थे। तो बोलो क्या खाएंगे आप, कुछ गरम मिलेगा आपके पास? रोहन ने कहा, हाँ हाँ जरूर, तंदूर में अभी अभी हमने चिकन लगाया हुआ है, कहे तो चिकन आपको फ्राई करके दे सकते हैं और तंदूर की रोटियाँ। ठीक है, आप हमें चिकन ही दे दीजिए भुना हुआ, और ज़रा थोड़ा सा तीखा कर दीजिएगा,
ठीक है यह कहते हुए काउंटर से मालिक ने अंदर जाके अपने बाबरची को आवाज़ दी, चंदू ए चंदू। चंदू सोते हुए उठकर आंखें मलते हुए आया, लेकिन ये देखकर ये लोग के मुंह से आफत हाय निकल गई। ये घबरा गए, थरथरा गए, क्योंकि चंदू जो उसका बाबरची था उसके पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े थे और उनसे कहीं कहीं मवाद भी टटप टपक रहा था। इन लोगों को घिन आने लगी, अरे यार ये तो अजीबोगरीब माहौल है, इसका बाबरची इतना गंदा और देख उसके जगह जगह फोड़े हैं, अगर इसके हाथ का खाया तो कहीं हम भी मार ना पड़ जाए, क्या करें यार। दोनों अजीबोगरीब फितरत में पड़ गए थे, यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, जाते तो आगे सन्नाटा, रास्ते में कहाँ किसी से मदद मिलती। और बाबरची से मालिक ने कहा, अभी अभी जो मुर्गा पकाया है ना तंदूर में, वह इन्हें भूंज के दे दो और तंदूर की रोटियां दे दो। चंदू ने कहा, ठीक है मालिक, ठीक है। और चंदू ने दो लोहे की सलाख ली और तंदूर के अंदर से चिकन निकाला। यह लोग देख कर चौंक गए, वह चिकन कुछ अजीब और गरीब दिख रहा था, जैसे कि किसी बच्चे की खोपड़ी हो। और उसने जैसे ही चिकन मुंडी बाहर निकाल कर काटने के लिए रखी, इन दोनों के मुंह से उल्टियां आने लगी। और उसने कहा, आप लोग की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये आप, ये कौन सा मटन, कौन सा चिकन है? अरे हुजूर, ये मुर्गा है। नहीं नहीं, मुर्गा तो हम लोग बहुत बार खाए हैं, लेकिन ये कुछ अजीब दिख रहा है। सुनो बाबू, ऑर्डर दिया है तो आपको खाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, ले आइए, हमने कब मना किया, ये लोग घबराते हुए बोले। और उसने एक डब्बे में से कुछ तीखा करने के लिए एक चटनी निकाली, वह चटनी भी कुछ अजीब गरीब दिख रही थी, जैसे किसी इंसान का खून हो। उसने चिकन के ऊपर चटनी लगाई और उसे दो भागों में काट के प्लेट के ऊपर रख दिया और रोटियां के साथ लाके दोनों को बोला, ले जाइए बाबूजी, आपका खाना तैयार है, खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट चिकन है। और यह दोनों सोचे कि किसी तरह इस चिकन को फेंक दिया जाए और इसे ऐसे ही पैसे दे दिया जाए, लेकिन उसका मालिक और बाबरची उन्हीं के सामने खड़े हो गए, बोले, ऐसे क्या सोच रहे हैं, खाइए खाइए और बताइए, अगर कुछ और लगे तो वो भी दे देते हैं आपको। इन लोगों ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, चिकन का टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में जैसे ही रखा, इन दोनों को ना चाहते हुए भी उल्टी आ गई, इन्होंने पूरा टेबल खराब कर दिया। यह देखकर ये लोग आपस में भागने ही वाले थे कि होटल का मालिक ने कहा, चंदू, इन लोगों ने हमारे ढाबे को इतना गंदा कर दिया और हमारे पकाए हुए खाने को इन्होंने थूक दिया, अब चल निकाल ला, सामान निकाल के ला अंदर से। चंदू अंदर दौड़ा और उसके साथ दो चार आदमी और भी थे, वो भी कुछ अजीब गरीब दिख रहे थे, सबके हाथ में अजीब गरीब किस्म के हथियार थे। वो लोग इन्हें मारने दौड़े, ये लोग कूद के होटल ढाबे से बाहर निकले और अपनी बाइक को छोड़ के भागने लगे। अचानक जो लोग बाहर सफ़ेद चादर ओढ़ के सोए हुए थे, वह एक एक करके खड़े हुए और इनकी तरफ भागे। ये चीखते चिल्लाते भागते रहे हाईवे की तरफ, भागते रहे। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था, उस ट्रक वाले ने ट्रक रोका और इन दोनों को जल्दी से अंदर बिठा लिया। और देखते क्या हैं, पीछे के शीशे में से ट्रक वाले ने देखा कि वह सब भूत प्रेत इनके ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। ट्रक की स्पीड बढ़ा के इसने हनुमान चालीसा लगा दी, देखते देखते सभी भूत प्रेत गायब हो गए।
ट्रक वाले ने पूछा, अरे आप लोगों की हालत कैसे हुई, आप लोग कहाँ गए थे? अरे भैया, हम लोग की गाड़ी खराब हो गई थी, हम लोग उस ढाबे में खाना खाने के लिए गए थे। अरे वो ढाबा, अरे वो तो भूतिया ढाबा है, कैसे चले गए आप लोग? अब क्या करें, हमारी तो बाइक भी उतरी खड़ी हुई है। अरे बाइक छोड़ो, तुम्हारी जान बच गई, इसकी किस्मत मनाओ, जाओ अपनी बाइक को भूल जाओ, भूल के भी दिन में भी लेने नहीं जाना उसे, वरना ये भूत लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी कई लोगों को ये लोग कच्चा खा चुके हैं। यह ढाबा एक समय पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन एक गैस बॉयलर फटने की वजह से वहाँ जितने भी लोग खाना खाने आए थे और जितने भी कस्टमर थे, उसके मालिक और नौकर समेत जल के राख हो गए थे। तब से ये लोग ऐसे ही भूतिया ढाबा के नाम से यहाँ पर लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।